अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है। तो आज मैं आपको अपनी दादी से मिलवाता हूँ। ये देखें, सुबह सुबह मेरी दादी खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। ये माशाल्लाह से मेरी दादी है और इसकी उम्र तकरीबन 160 साल हो गई है और अभी तक ये जिंदा है। तो माशाल्लाह से अल्लाह इसको बड़ी उम्र दे। और वो गब्बर देखे वहाँ पे अयाशी कर रहा है। तो अभी दादी को दूध देते हैं और दादी घर जाएगी अभी। तो भाई मजाक कर रहा था, मेरी दादी की उम्र है तकरीबन 85 साल। तो अंदर चलते हैं फार्म के अंदर और आपको एक चीज़ लेके आया हूँ मैं, वो दिखाता हूँ। मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट की है तो वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह से ये मुर्गा और मुर्गी मुझे एक दोस्त ने दिए हैं सिर्फ बच्चे लेने के लिए। तो बच्चे लेके उसे ये मैं वापस कर दूंगा। और 6 टाइम मैच विनर है और बहुत ही आला नस्ल का मुर्गा है ये। अब गौर से देखें, इसे करीब से दिखाता हूँ। और मुर्गी भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे नस्ल की मुर्गी है। तो दुआ करें इनसे बच्चे लें और अपना शौक़ पूरा करें। इंशाल्लाह ये मुर्गा और ये मुर्गी मेरा शौक़ पूरा करवाएँगे ज़रूर। पूरी उम्मीद है मुझे, मुर्गे का शौक करें सही से। ये देखें मेहनती बच्चा यहाँ पे मेहनत कर रहा है सुबह सुबह उठ के। तो हमारे लिए चाय बनाने की तैयारी कर रहा है। तो जैसे ये चाय बनाएगा और हम चाय पियेंगे फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और वहाँ पे फहीम भैंसों को चारा डालने मसरूफ़ है। तो भैंसें वगैरह भी अपना चारे के इंतज़ार में खड़ी हुई हैं। तो जैसे ही इनको चारा मिलेगा ये भी चारा खाएंगी और ये कट्टा हमारे लिए चाय बनाएगा और हम चाय पियेंगे पियेंगे चाय पियेंगे। और इसकी वारदात, और इसको पता नहीं क्या मसला है, ये काले कपड़ों में सिवाए कपड़े नहीं पहनता। क्या मसला है तेरा भाई, कड़ो मसलो है तसाजे तू कारण कपड़ों का सिवाए कपड़ा ही न तो भाई छो। उसकी शक्ल देखें जरा गौर से, आज आपको शक्ल दिखाता हूँ। कारण कपड़ों का सिवाए तू क्या कपड़ा क्यों न तो पाए मसलो शायद इश्क लगो दैया। हाँ इश्क लगो दैया, इसको पता नहीं इश्क लगा है क्या लगा है, ये काले कपड़ों में सिवाए कपड़े ही नहीं पहनता। तो चाय आ गई है तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसे पीते हैं। अगर आपको भी पीने दो आए, नहीं तो मैं तो पी रहा हूँ। ये देखें भाई मेरे हैप्पी कस्टमर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बंदा है। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, आपने चैनल सब्सक्राइब किया है हमारा? वीडियो देखते हो? वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। देखते हो तो क्या करते हो दुनिया में? हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, सी यू। चंदिया दे वाल घणियूं बकरियूं अथई? घटा घणा अथई? हाँ हो, जिंदगी कीअं थी गुज़राई? भली आहे। महांगाई जो थी वई आहे एॾी, पोइ अला हलायो थो न? घटो ॾींदे मूंखे न ॾींदे? घटो ॾे को सस्तो ॾे न। ये देखें भाई, इसके पास माशाल्लाह से बहुत माल और मवेशी है। और ये सुबह सुबह इन्हें चारने के लिए निकला हुआ है बाहर घुमाने के लिए। सुबह सुबह लाड़काना का मंजर देखें आप, माशाल्लाह से प्यारा लाड़काना हमारा, खूबसूरत लाड़काना। भाई लाहौरी मौला लाड़काना, ये लाहौरी मौला। यहाँ पे फुल सफाई सफाई चल रही है। तो
रोडों का मंजर देखें यहाँ पे, सब अपने अपने कामों की तरफ गामजन है, कोई अपने काम पे जा रहा है तो कोई किसी काम के लिए जा रहा है, तो मैं भी किसी काम के लिए निकला हूँ बाहर। नज़ारा करें आप, ये भाई अल मुर्तजा हाउस, ये देखें आप माशाल्लाह से, ये मीर मुर्तजा भुट्टो का हाउस है। छुट्टियां हुई हुई हैं तो सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, दिन के टाइम बहुत रश होता है सड़कों पे। ये भाई लाड़काना के कपड़े की मार्केट, जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं यहाँ से ही मिलते हैं लाड़काना में। अंदर से आपको सैर करवा के आता हूँ, इस टाइम सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, थोड़ी देर में ये भी खुल जाएंगी। ये सारी क्लॉथ मार्केट है लाड़काना की, रेशम गली का नाम है, रेशम गली मार्केट। मार्केट में जिस काम से गया था फाइनली वो मेरा काम हो गया है, मैं कोई मुर्गा ढूंढने के लिए गया था तो ये बच्चा मुझे मिल गया, अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया वहाँ से। अभी फार्म पे चलता हूँ, फिर आपको इसका सही तरह से शौक करवाता हूँ। ये शौक करें भाई इसका, ये मैं मार्केट गया था तो पसंद आ गया मुझे तो मैंने ले लिया, माशाल्लाह अच्छी चीज़ लग रही है। फिलहाल पता नहीं चलेगा इसका, थोड़ा ये बड़ा हो तो पता चल जाएगा, बाकी देखते हैं, दुआ करें ये भी बड़ा हो जाए। और ये कटा देखें, यहाँ से अपनी जगह से खुल के यहाँ पे आ गया तो टाइम आएगा, खुद ब खुद इसे बांध लेगा। और भैंसों के निकलने का भी टाइम हो गया तो अभी आप इस मुर्गे का शौक करें। अभी ये देखें माशाल्लाह से, ये बहुत नायाब चीज़ है, जैसा नायाब ये खुद है तो वैसी ही इसकी मुर्गी है। तो दुआ करें सेफली इनके बच्चे आ जाएं और बच्चे बड़े हो जाएं। पिछले जितने भी बच्चे थे वो सारे मर गए, सिर्फ और सिर्फ दो बच्चे बच गए थे उसमें से, वो भी मैंने कहीं और छोड़ दिए ताकि वो बड़े हो जाएं सुकून से। तो बस नसीब नहीं था, मुर्गी भी मर गई और उसके 8 बच्चे भी मर गए, बहुत मेहनत की थी कुछ भी नहीं हो सका। तो दुआ करें इनके बच्चे आए और वो बच्चे हैं। और ये यासीन देखें, गाड़ी साफ करने में लगा हुआ है अपनी मेहनत में, बेचारा सारा दिन ये मेहनत करता है। और आपने जब भी इसे देखा होगा सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करते देखा होगा, जब भी मैं आपको ये बंदा दिखाता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करता है, कभी गाड़ी साफ़ करता है, कभी चाय बनाता है, पर नहाता नहीं है ये, इसकी ये बहुत गलत बात है कि ये नहाता बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे मिले आप, ये है अली नागोरी और इसके पास माशाल्लाह से कितनी भैंसे हैं आपके पास कोरी? 25। घनी महंगे है? 25 महंगे है, 25 ही ताजी हैं। इसके पास भाई 25 भैंसे हैं और 25 भैंसे ही दूध वाली हैं। और ये तकरीबन हमारे इस पूरे इलाके में दूध यही सप्लाई करता है। तो भाई कोरी तुम कहाँ से दूध लेके आते हो? सैद बचल शाह गोठ। सैद बचल शाह गोठ में आईगा? घड़ो पंदा है ता 22 किलोमीटर है। अल्लाह, और काय पे निकलन आता तो 6:30 बजे इते, काय पे पहुंचे 8 बजे 7:30 बजे कराची में आईगा, 7:30 बजे के लागे पंदा। हल तक कुकड़ दिखा रहे, अब मैं अपने कोरी को कुकड़ दिखाऊंगा। ये भी बहुत खफती है और इस ये गब्बर से डरता है, अभी आपको गब्बर का इसका एक्शन दिखाता हूँ। ये गब्बर जो है इसका फुल दुश्मन है, नक्कर ये गब्बर देखे, ये गब्बर बदमाश कोरी के साथ, इसकी पता नहीं कौन सी पुरानी दुश्मनी है जो ये कोरी को खाने के चक्कर में। तो मैं इसको चुप करवाता हूँ पहले, बस कर चुप।
ये बाजरा मैंने धो दिया है, तो अभी मुर्गों को देते हैं, ये खाएंगे सुकून से बैठ के। पहले ये मुर्गे खा लें, मुर्गी और मुर्गा सुकून से पेट अपना भर लें, तो फिर उस पट्टे को देते हैं। तो मुर्गे और मुर्गी को खिला दिया है, तो उन्होंने खा के बाकी ये बचा दिया है, तो इस पट्टे को डालते हैं। ये बिल्कुल ही भूख पे है, सबसे पहले ऐसे डालते हैं। और गब्बर देखे, गब्बर पीछे पीछे आ गया, तो गब्बर से ये पट्टा डर रहा है। गब्बर चले, माशाल्लाह से चीज़ अच्छी मिल गई है, तो देखेंगे इसको जब ये जवान होगा, बड़ा होगा, देखते हैं खाता है कि नहीं। फिलहाल तो पहला दिन है इसका, डरा हुआ है। इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगा। यहाँ पे शदीद किस्म की गर्मी है भाई, लाड़काना में शदीद किस्म की। तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और इस टाइम इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, आपको क्या बताऊँ। धूप में यहाँ पर खड़ा नहीं होया जा रहा। तो आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगेबान।